उसमें एक ट्रेनिंग आई थी समय सारणी की, तो वही समय सारणी मैंने बनाई है। बच्चे आते हैं, पहले आके बच्चे ये देखते हैं, समझते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर नहीं समझ में आता है तो बच्चे ये दिन के घंटों के हिसाब से बनाइए, तो बच्चे चित्र ऐसे देखते हैं इसमें, तो चित्र देख के पता लगता है कि ये दोनों बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये मिलकर पढ़े कहानी। पहला टर्न इन लोगों का ये होता है। दूसरा है मान लीजिए गणित का, तो गणित में ये ब्लॉक्स ये किट्स है बच्चे सीखते हैं, इससे पता लगता है ये गणित का है। उसके बाद जब बच्चों को हाथ धोना होता है, टॉयलेट जाना होता है, तीसरा कॉलम उसका है। ये देखिए ये बच्चे इसमें हाथ धो रहे हैं, ये चित्र बनाया है। उसके बाद फिर ये कहानी का है, मैम कहानी सुना रही है बच्चों को। उसके बाद जब लंच होता है तो बच्चे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अरे हमारा लंच हो गया है, हैं? जब नहीं समझ में आता तो बच्चे से उठा के भी देख लेते हैं कि अरे हाँ ये तो हमारे लंच का टाइम है। उसके बाद फिर उस लंच के बाद पीरियड होता है हमारा गणित का, गणित बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद आओ मिलकर खेलें, तो बच्चे जो है ये अगर नहीं समझ में आता तो उसमें उठा के देख लेते हैं, अरे हमारे तो ये खेलने का पीरियड है, ठीक है फिर हम लोग खेलते हैं। उसके बाद फिर लिखने की बारी आती है, बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये अब हमारे लिखने की बारी है, तो बच्चे जो है लिखते हैं या आर्ट बनाते हैं अपनी, ये आम बना रहे हैं जैसे। उसके बाद घर जाने का टाइम होता है, तो बच्चे समझ लेते हैं कि अब हमें घर जाना है, ऐसे उठाकर देखते हैं, अरे वाह हमारा तो घर जाने का टाइम हो गया। इस तरह से पूरे चार्ट में हमने ये एक्टिविटी बना रखी है। बच्चे इसमें पहले तो ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो बच्चे जो है उठा के देख लेते हैं कि अब हमें क्या काम करना है। इस तरह से बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख जाते हैं। बहुत सुंदर अल्पना मैम, आपने बहुत सुंदर समय सारणी बनाई है और दीक्षा की एक्टिविटी को कक्षा में उतारा है, ये बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।